अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए। सब खैरियत है उस्मान साहब। उमर साहब से आपने क्या बात की? क्या उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ? क्या वो अपनी मर्जी करना बंद करेंगे या नहीं? उमर साहब हरगिज नजर नहीं आएंगे यहां। उस्मान साहब, जब आप उनसे बात कर रहे थे तो आपके पास ये कमान थी? उनसे अपने अबाव अजदाद ओज खान का जिक्र किया मैंने। जो समझाना चाहता था समझ गए होंगे। तो चलिए उमर साहब को छोड़िए तो गाय की बात कीजिए। जैसा आप चाहें उस्मान साहब। तो गाय क्या सोच रहा है हम जानते हैं। वो समझेगा कि उमर साहब के हमले के जिम्मेदार हम हैं और उसने उमर साहब के कबीले के साथ जो किया हमारे साथ भी वही करना चाहेगा। और वो ये भी समझ जाएगा कि गाय कबीले पर हमला करना उमर साहब पर हमला करने जैसा नहीं होगा। कुछ नहीं होने देंगे अलबत्ता। अगर उसने यहां आने की जरूरत की तो उस वक्त उसका कलेजा निकाल कर गीदड़ों को खिला दिया जाएगा। वो दिन भी आएगा उस्मान साहब, आएगा वो दिन। आप उस काफिर की मौत देखेंगे अल्लाह के हुक्म से। आप और आपके ख्वाब के दरमियान कोई भी खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। कसम खाता, हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं पूरा जहान ये सुन ले